गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल यू आर फाइन। ओके, लेट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो ज्वाइन, देन वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। बेटा आपने प्रीवियस क्लास रिवाइज की है? हाँ जो वीडियोस मैंने कराई थी, मेटल्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, तो वो आपने रिवाइज की है? एनीवन प्लीज रिप्लाई। रिवाइज कीजिएगा। ओके, तो प्रीवियस टॉपिक में आपको कोई डाउट है? वॉइस क्लियर नहीं है? ओके, देखिए आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो वीडियोस है उसमें हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, इस चैप्टर को रिवाइज भी कराया था आपको, है ना? डिस्कस किया था हमने, एक बार हमने क्या करा दिया था, रिपीट करा दिया था, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आपके डाउट भी मैंने क्लियर कर दिए थे। अभी टॉपिक में, इस चैप्टर में किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Is my voice clear to you? Voice is not clear. Off कीजिए माइक सभी। सभी अपना माइक ऑफ कीजिए। Yes. तो अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन से हमें और क्लियर हो जाएगा कि जो भी हमने नोट्स बनाए हैं, जो भी हमने स्टडी की है अब तक इस चैप्टर की, तो उसमें किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है? तो क्या हम स्टार्ट करें? देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप वहां से क्या कर सकते हो, इजिली नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या गिवन है, विच एलिमेंट हैज टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर टू शेल्स होती है। टोटल शेल्स कितनी है यहाँ पे, ओनली टू शेल्स, ठीक है? और दोनों की दोनों जो शेल्स है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब फर्स्ट शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है और सेकेंड शेल भी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। तो देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी बताई है। मान लीजिए किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है 11, आपको पता है सोडियम जिसका सिंबल Na होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, ठीक है? एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर हमें इस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हम किस तरीके से बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सोडियम की, बताओ क्या होगी, 2 8 1। यस, ए शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है। नाइन्थ में भी पढ़ी है और अभी इस चैप्टर में भी मैंने आपको क्या कराई है, बताइए कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी भी एटम की लिखते हैं, ठीक है? तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है,
कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर टोटल टू शेल्स हैं, यानी कि टू शेल्स कौन कौन से होंगे बताओ। के शेल और नेक्स्ट शेल कौन सा होता है? एल शेल। यस, तो टोटल टू शेल है यहाँ पे। ये हमें पता चल गया कि कौन कौन से शेल्स होंगे। अब इन टू शेल्स के बारे में और क्या बताया है कि दोनों के दोनों जो शेल्स हैं वो क्या होंगे? कंप्लीटली फिल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। और हमें पता है कि के शेल जो है अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? के शेल इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है बेटा। यस, ये जो फर्स्ट शेल होती है उसमें मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी जब मैंने बताई थी तब आपको बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। तो यहाँ पे के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? टू शेल। और यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है ये शेल, तो हम क्या करेंगे इसमें? टू इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्या बताया हुआ है कि दोनों की दोनों शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है। तो जो एल शेल है, एल शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इलेक्ट्रॉन। यस, तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई है कि क्या होगी, टू एंड एट, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उससे हम इजीली ये बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है या फिर एटॉमिक नंबर पता है किसी भी एलिमेंट का, तो हम उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है बता सकते हैं, क्लियर। तो आप देखिए, अच्छा किस तरीके से बता सकते हैं वो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम सारी चीजों को एक ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे सारी चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन है और इसका एज इट इज आंसर बताना है, नहीं। चाहे हम पूरी एक वीडियो के अंदर चाहे हम चार क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बट उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को हम स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गई है हमें 2 8। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच एलिमेंट, यानी कि उस एलिमेंट का नाम पूछा है कि ये कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 8 है। तो बताइए इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? हमें टोटल ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है और हम इजीली एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। तो देखिए इस एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा? 10, ठीक है। तो 10 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है? नियोन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 10 होता है नियोन, ठीक है। सिंबल क्या होता है? Ne, ठीक है। तो नियोन जो है एटॉमिक नंबर 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 होती है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट का जो एक पार्ट है इस क्वेश्चन का उसका आंसर क्या होगा? नियोन, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछते कि ये एलिमेंट जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है या फिर किस शेल से, किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो आप किस तरीके से बताते? मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में प्रेजेंट है, इट मींस सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। और साथ में क्या बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, मान लो आपने फर्स्ट ग्रुप लिया हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम, तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 1, ठीक है। बताया था मैंने आपको, सभी को याद है? ग्रुप फर्स्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर ग्रुप टू है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। बट अगर 13 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर ग्रुप नंबर 13 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? हमें 13 में से क्या माइनस करना है? 10 माइनस करना है, यानी कि 13 ग्रुप के लिए क्या होगा?
थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 14 के लिए हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यस। 15 के लिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 16 के लिए 6, 17 के लिए 7 और 18 के लिए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें पता है तो हम ग्रुप नंबर इजीली बता सकते हैं। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसी को तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे आप बताइए कि जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वो कौन सी है, के शेल है या फिर एल शेल? एल शेल क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, मतलब यही शेल कौन सी होगी, वैलेंस शेल होगी। अब वैलेंस शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा ये, 18 ग्रुप से। वेरी गुड, यस। देखिए हमें सिर्फ कौन कौन से ग्रुप स्टडी करने थे, फर्स्ट सेकेंड और उसके बाद 13 to 18, सिर्फ ये ग्रुप स्टडी करने हैं हमें, है ना। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतने ही ग्रुप्स हैं, जो मिडिल वाले हैं थर्ड टू जो थर्ड ग्रुप है वहां से 12th तक के जो ग्रुप है वो हम स्टडी नहीं करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये जो एटम है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 18 ग्रुप से। तो यहाँ से हमें ग्रुप नंबर भी पता चल गया, ग्रुप नंबर क्या होगा, 18। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि पीरियड बताओ, अच्छा सबसे पहले आप ये बताइए हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर बेटा, 8 ग्रुप्स, 9। अभी तो आपने ग्रुप नंबर 18 बताया है, यस। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स, और टोटल कितने पीरियड्स होते हैं बताइए, 7 पीरियड्स, यस। ये मैंने काफी टाइम किया है ये क्वेश्चन, तो मैंने कि हाउ मेनी ग्रुप्स हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, तो आपको याद रखना है हमेशा टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब देखिए ग्रुप नंबर 18 है यहाँ पे, अब पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि ये जो एलिमेंट है नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 है, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो बताइए कैसे बताएंगे। देखिए देखिए पीरियड जो काउंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ शेल्स देखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कितने शेल है टोटल, हाउ मेनी शेल्स आर देयर, 2 शेल्स आर देयर, यस, के और एल शेल, और आपके क्वेश्चन में भी ये चीज गिवन है 2 शेल्स, है ना। तो 2 शेल्स है तो जितनी शेल्स होती है वही क्या होता है, पीरियड नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर शेल 2 है तो पीरियड भी क्या होगा, 2। ठीक है, तो इजिली आप किसी भी एटम का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता सकते हैं, अगर आगे और कोई क्वेश्चन दिया जाए आपको तो इजिली बता दोगे कि ग्रुप कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, बताओ, यस। ठीक है, अगर इस फर्स्ट पार्ट जो है इसमें किसी को भी डाउट है तो आप बेटा दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगी, आप पूछ सकते हैं। Anybody is having any query? ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं? ओके, देखिए ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने हैं सबसे पहले तो, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्रुप भी कौन सा होता है, फर्स्ट। हमें देखो कौन कौन से ग्रुप पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद डायरेक्टली हमें 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये ग्रुप्स पढ़ने हैं, है ना। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं। अब देखिए मैंने आपको जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाया था, जिसने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली वीडियो नहीं देखी है वो आप दोबारा से देख सकते हैं, और वैसे आपको यहाँ पे भी समझ आ जाएगा इजिली। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट शेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। तो जिसके भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रुप से।
जिसके भी लास्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? सेकेंड ग्रुप से। आप देखो सेकेंड के बाद हमें थर्ड नहीं बताना है, थर्ड ग्रुप के भी हमें स्टडी नहीं करना है, 3 to 12 तक तो हमें स्टडी नहीं करने हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन भी अगर आएगा तो वो थर्ड ग्रुप या 12 ग्रुप तक जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 नहीं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है, अगर 4 है तो वो बिलोंग करता है 14 ग्रुप से, अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो 15 ग्रुप से, 6 है तो 16 से, 7 है तो 17 से, और 8 है तो 18 ग्रुप से। अब यहाँ पे देखो वैलेंस शेल जो है आउटर मोस्ट शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना? यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? 18 ग्रुप से। ठीक है, समझ आया आपको? समझ में आ गया? देखो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो आप ग्रुप नंबर बता सकते हो, ठीक है, और अगर ग्रुप नंबर दिए हैं तो भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूं मैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्या स्टार्टिंग से बता दूंगा? फर्स्ट पॉइंट से अभी ज्वाइन किया है आपने बेटा, इतनी लेट क्यों हुआ आप? देखो ये जो वीडियोस मैं करा रही हूँ, अभी जो करा रही क्लास ले रही हूँ ना, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो जो पहले मैंने कराया है फर्स्ट पार्ट, वो आप वहां से देख लीजिए, ठीक है, 2-3 आवर्स के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी पूरी वीडियो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। वैसे आपको देखो जिसको डाउट था, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया है ग्रुप नंबर पीरियड नंबर, इन क्वेश्चंस में भी वो सारी चीजें रिपीट होंगी, तो आपको डाउट रहेगा ही नहीं वैसे तो। अब देखिए विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2H2, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2H2, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है आपको 2H2, ये गिवन है, और पूछा क्या है कि ये कौन सा एलिमेंट होगा बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर बताइए, बताओ एटॉमिक नंबर क्या है इस एलिमेंट का? एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? सिंपली आप इन सब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, ठीक है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 12, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर 12 है, देखिए आपको मैंने 20 तक पीरियोडिक जो एलिमेंट्स है वो लर्न कराए हैं अप टू एटॉमिक नंबर 20, जिसने लर्न नहीं किए वो भी कर लेना है ना, बताया था 9th में भी कराए हैं 20 तक एटॉमिक नंबर। फर्स्ट क्या होता है? हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, तो सभी को 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं ताकि आप इजीली देखते ही बता दो कि ये कौन सा एलिमेंट है। अच्छा, जिसने नहीं कर रखे हो एटलीस्ट 10 तक तो लर्न कर लीजिए, और उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल है जितने भी ग्रुप्स हमारे सिलेबस में है उन ग्रुप्स को लर्न करना है कि कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ट्रिक से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, जैसे हरीना की रब से फरियाद फर्स्ट ग्रुप के लिए है ना। ओके, अब देखिए एटॉमिक नंबर पता चल गया 12 है, तो ये बताओ कौन सा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर? मैग्नीशियम, यस मैग्नीशियम। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो अब बताओ कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? ये सेकेंड ग्रुप से, इजीली बता पा रहे हो ना? आउटर मोस्ट शेल में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप क्या होगा? सेकेंड, ठीक है। अच्छा पीरियड कौन सा होगा बताओ? थर्ड,
तीन शेल है, 1 2 3, थ्री शेल्स आर प्रेजेंट, तो कौन सा पीरियड होगा? थर्ड पीरियड, ठीक है। ओके अब देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि ये मेटल है या नॉन मेटल, तो कैसे बताओगे? अभी एक पॉइंट और ऐड कर दिया है मैंने, ये मेटल है या फिर नॉन मेटल, क्यों? यस, आपने बताया ग्रुप टू है, पीरियड थ्री है, इट मींस क्या होगा? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। देखिए फर्स्ट ग्रुप होता है, उसके बाद सेकेंड ग्रुप, और फिर कुछ गैप आता है, मतलब जो बाकी ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बाद क्या आता है? 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, यानी कि जो राइट साइड में है नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है तो क्या होंगे? ये मेटल्स होंगे। अगर ये राइट साइड में प्रेजेंट है तो क्या होंगे? नॉन मेटल्स। बट थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, आप जब भी आप इस चैप्टर को रीड करते हो, स्टडी करते हो, तो आप पीरियोडिक टेबल हमेशा अपने साथ रखिए, ठीक है? पीरियोडिक टेबल को जितना हो सके लर्न करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। पीरियोडिक टेबल में जो है पूरी ऐसे लाइन डिस्टिंग्विश की हुई है कि इधर वाले एलिमेंट्स मेटल और राइट साइड वाले कौन से होंगे? नॉन मेटल्स। तो आप जब जब इन एलिमेंट्स को बार बार स्टडी करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच एलिमेंट हैज अ टोटल ऑफ थ्री शेल्स विथ फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, इट मींस कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर टोटल कितने शेल्स हैं? थ्री शेल्स हैं, तो बताइए कौन कौन से होंगे थ्री शेल्स? यस, के एल एंड एम, ये तीन शेल प्रेजेंट है। अब और क्या बताया हुआ उसके, और क्या बताया हुआ इस क्वेश्चन में? विथ फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो अब बताओ आप, वैलेंस शेल कौन सा होगा इन तीनों में से? यस, इसका मतलब ये हुआ कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? फोर इलेक्ट्रॉन, यस, फोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है के अंदर। तो अंदर वाले की कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं इजीली, के शेल में कितने हो सकते हैं? टू, यस, एल शेल में 8, इनके हमें वही फिल करने, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में कम या ज्यादा हो सकते हैं, अंदर वाले जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई हमें, 2 8 4। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि ये कौन सा एलिमेंट होगा, तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा एटॉमिक नंबर बेटा? यस, एटॉमिक नंबर इज 14, और कौन सा एलिमेंट होगा ये? अच्छा देखो, इसमें बता सकते थे इसको, अगर एटॉमिक नंबर भी हम नहीं देख रहे हैं तो और कैसे बता सकते हैं? हमने देखा 2 8 4, कौन सा ग्रुप है? नहीं होगा बेटा 14, यस 14 जो बता रहा है वो करेक्ट है, ठीक है? 14 ग्रुप होगा ना कि 4। आपको पता है आपको 3rd से 12th ग्रुप तक तो स्टडी ही नहीं करनी है, तो आप 4th ग्रुप कैसे बता रहे हो? 4th ग्रुप तो आपने स्टडी भी नहीं किया ना, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा? 14 ग्रुप, ठीक है? तो ग्रुप 14 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पे देखो, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है? कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, इंडियम और थैलियम, ये सारे क्या होते हैं? 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है। कौन से ग्रुप के हैं ये? 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है। सभी को विजिबल है? तो देखिए इसकी ट्रिक भी है लर्न करने की, हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं इसको।
ऐसे कर सकते हैं, पी सिली जम्स एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे टी भी आएगा लेड, सी सिली जम्स इन लेड, ठीक है ऐसे कर सकते हो, सी क्या बेटा वो वाला जो ग्रुप है वो जो पीरियड है ना पूरा वो आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक ही आपको लर्न करने हैं, सभी ग्रुप के अंदर सिर्फ ये पांच तक जो है यहाँ तक के ग्रुप आपको लर्न करने हैं, उससे नेक्स्ट जो दो लाइन दी हुई है ना वो आपको लर्न नहीं करनी है, ठीक है यस। तो यहाँ पे देखो क्या ट्रिक है, सी सिली जर्म्स इन लेड, सी से कार्बन, सिली सिलिकन, जर्म जर्मेनियम इन इंडियम, और ये लेड टीबी जो है यहाँ पे किसका सिंबल है, टीबी लेड का सिंबल है, ठीक है लेड का सिंबल है टीबी, आप देखिए सभी को लर्न हो जाएगा 14 ग्रुप, बार बार आप इस लाइन में रिपीट करोगे तो आपको एक भी क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा। तो अब आपको ये पता है कि ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है, अब 14 ग्रुप में भी कौन सा पीरियड आएगा, 1 2 3 थर्ड पीरियड है ना, पीरियड कौन सा होगा थर्ड पीरियड, तो आप ध्यान रखिए जो फर्स्ट ग्रुप होता है ये सेकेंड पीरियड होता है, ये कौन सा पीरियड है सेकेंड पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आते हैं हाइड्रोजन और हीलियम है ना, हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आते हैं फर्स्ट पीरियड के अंदर, बताया भी हुआ है आपको जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल कराई है तब, तो फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम आते हैं, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स है ये जो फर्स्ट लाइन पे लिखे होते हैं इस तरीके से फर्स्ट वो कौन सा पीरियड होता है सेकेंड पीरियड होता है, तो कार्बन देखो ये सेकेंड पीरियड हुआ ये थर्ड पीरियड, तो देखिए ग्रुप नंबर 14 है और थर्ड पीरियड यानी कि सिलिकन, आंसर क्या होगा सिलिकन, यहां से भी बता सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि आपको 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न हो, है ना क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, अ टोटल ऑफ टू शेल्स विथ थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, टोटल कितने शेल है टू शेल यानी कि के शेल और एल शेल, साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टू और थ्री क्या होगा एटॉमिक नंबर बताइए, यस कौन सा एलिमेंट होगा ये, बोरोन, यस ये तो आप इजीली बता सकते थे, बहुत इजी था ये, इसमें बताइए ग्रुप नंबर क्या होगा, अभी बता रहे हैं 14 ग्रुप, पीरियड कौन सा होगा सेकेंड, इन्फॉर्मेशन दे दी कि पोजीशन क्या है इस एलिमेंट की, आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरा इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है इस एलिमेंट की वो बता दी है ना कि पीरियोडिक टेबल में कहां पे मिलेगा, मान लो आपको ये एलिमेंट ढूंढना है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, अगर आपको पता है कि ग्रुप 13 है तो आप सीधे 13 ग्रुप पे चेक करोगे जाके कि कहां पे है, और पीरियड नंबर सेकेंड है तो आपको फर्स्ट पे ही वो एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे देखो 13 ग्रुप में एक बार फिर से बता देती हूँ 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है ग्रुप नंबर 13 में कौन, एक सेकेंड बेटा वेट, वेट अ सेकेंड बेटा, वो पहले मैंने 14 ग्रुप लिखा था उसमें एक मिस्टेक थी, देखिए यहाँ पे एस एन आना चाहिए था, मैंने आई एन लिखा था इंडियम है ना, यहाँ पे क्या आएगा एस एन, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप में से किसी ने नॉट किया है तो, ठीक है क्या आएगा यहाँ पे एस एन, ये होता है टिन और ये होता है इंडियम, इंडियम यस दिस इज टिन एंड दिस इज इंडियम,
दोनों ही डिफरेंट है, सिर्फ देखो एक वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे एस एन है और यहाँ पे आई एन है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके, ग्रुप नंबर 13 जो है वो क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनकी ट्रिक्स देखो, ग्रुप को लर्न करने की ट्रिक्स मैंने नहीं कराई थी, तो अब मैं क्वेश्चन के बीच में आपको एक एक की ट्रिक्स करा दूंगी, ठीक है। तो इसकी देखो क्या ट्रिक होगी, 13 ग्रुप को आप कैसे लर्न करोगे, बैंगन, आलू, गाजर, यस, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रिक से लर्न कर सकते हो, ठीक है। 14 ग्रुप में देखो करेक्शन कर लेना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, इंडियम जो है लिखा था यहाँ पे 14 ग्रुप में, और यहाँ पे क्या आएगा, टिन आएगा, ठीक है, यस। तो टिन जो है, जो टिन क्या है, एक मेटल है, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Sn। यहां से ट्रिक से इजीली लर्न हो जाएगा आपको, बैंगन, आलू, गाजर इन टिन, ठीक है। बी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो 13 ग्रुप समझ आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको कि बोरॉन प्रेजेंट है, देखिए बोरॉन जो है कौन से ग्रुप में है, 13 ग्रुप में, और पीरियड कौन सा होगा, सेकेंड, सेकेंड पीरियड। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। इसका मतलब क्या है, देखिए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड शेल, यानी कि उसके सेकेंड शेल में, यानी कि फर्स्ट शेल देखो क्या होगा के शेल एंड सेकेंड शेल इज एल शेल। तो देखिए क्या बताया इसके अंदर, कि जो के शेल है उससे डबल एलिमेंट, डबल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसमें प्रेजेंट है, एल शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स के शेल में होंगे उससे डबल इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में है, एल शेल में प्रेजेंट है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे के शेल जो है उसके अंदर कितने होते हैं, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के शेल। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो एल शेल है, नेक्स्ट जो शेल होगी उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, बताइए। अब बताया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है ना कि जितने के में है उससे हमें ट्वाइस करने हैं, डबल करने हैं, देखो लिखा हुआ है ट्वाइस, हमें डबल कर दिए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, फोर इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा एलिमेंट होगा बताओ, कौन सा होगा, कार्बन। एटॉमिक नंबर देखो क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है सिक्स, ठीक है। और एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन क्या है, वो एलिमेंट है जिसके सेकेंड शेल में क्या है, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एज इन फर्स्ट शेल, यानी कि फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके डबल एलिमेंट किसके प्रेजेंट है, एल शेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। समझ आए हैं ये पांचों क्वेश्चंस आपको, किसी को भी इन क्वेश्चंस में डाउट है, ओके। देखिए अभी आपको ये लग रहा होगा कि हमने पूरी आपके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, बट आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि हमने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं किया है, पांच क्वेश्चन ये डिस्कस किए हैं, उसके बाद हमें ग्रुप नंबर निकालने आ गए हैं। अगर मैं अलग से यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के दे सकती थी, फाइंड ग्रुप नंबर ऑफ दिस एटम, फाइंड पीरियड नंबर ऑफ दिस एटम, है ना, तो काफी सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने इनके अंदर क्या कर दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को मैं अलग से भी कर सकती थी, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, जो कंसेप्ट यूज किए हैं हमने वो आपको समझ आए हैं। बताइए किसी को भी डाउट है, बेटा क्या आप सभी ने नोट्स बना लिए हैं इस चैप्टर, सभी ने, वेरी गुड,
बाद देखो आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो आपको फेयर नोटबुक में क्या करने हैं, राइट डाउन करने हैं। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगी आज। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं, लेकिन पहले आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं, पहले नोट्स बनाने हैं, उसके बाद जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? बेटा इज माई वॉइस क्लियर? मेरी आवाज आ रही सभी को? ओके, वेट अ सेकेंड। यस बेटा, अब बताओ किसी को भी डाउट है किसी भी टॉपिक से? यस, वेरी गुड, ओके। और देखिए, अभी आपको याद रखना है कि जो भी क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहा है या फिर 5 मिनट 10 मिनट लेट अटेंड कर पा रहा है, वो बाद में इसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या कर सकता है, देख सकता है। क्लियर? आफ्टर 2-3 आवर्स जो है, यस, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी ये वीडियो पूरी की पूरी, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, देख सकते हो इसको। और कोई टॉपिक भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको फिर से रिपीट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब सभी जो है नोट डाउन करेंगे सारी चीजें जो भी मैंने आज आपको कराई है, जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, यस। और नोट्स जिसने भी नहीं बनाए हैं वो अपने नोट्स भी कंप्लीट करेंगे। और बेटा देखो, जो जैसे ही क्लास ओवर होती है उसके बाद आप क्लास को लेफ्ट कर दिया करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी 5 मिनट बाद ही स्टार्ट हो जाती है ना, तो आपको 5 मिनट का टाइम किस लिए दिया हुआ है, ताकि आप दूसरी क्लास के लिए रेडी रहो। कुछ बच्चे जो है यहाँ पे ओवर होने के बाद भी मैसेज करते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे ही मैं बोलती हूँ क्विट करनी है क्लास, तो उसी टाइम आप लेफ्ट कर दिया करो। ठीक है, ओके, यस। सो अभी किसी को भी अगर डाउट है तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हो, या फिर नोट्स कैसे बनाने हैं ये पूछना है अगर आपको, तो वो आप पूछ सकते हो। बताओ सभी के, हाँ, पीडीएफ जो मैंने आपको सेंड की है उसी से बनाने हैं नोट्स, यस। और सबके घर पे सभी सेफ है? ओके, ठीक है बेटा, तो क्लास का टाइम जो है ओवर हो गया है, नाउ यू कैन लीव द क्लास। ओके, क्विट कीजिए बेटा। मैंने पीडीएफ शेयर की है बेटा, वहां से। यस, गौरव, आयुष, अतुल, हर्षित, लेफ्ट कीजिए बेटा। कोयना, रोहिन, कोयना लेफ्ट करो, मोहित ढिल्लन, कोयना क्विट द क्लास। कोयना, मोहित ढिल्लन, बेटा समझ नहीं आ रहा आपको, क्लास ओवर हो गई है।
कोई ना, आर यू गेटिंग माई वॉइस?